लिए भाई, चलिए तैयारी शुरू कर ली जाए। सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब आपको मन का सामान चाहिए होता है तो ना ही वो ऑनलाइन मिलता है और ना ही मार्केट में मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो मेरे मन में आइडिया आता है मैं उसका DIY कर लेती हूँ। ऐसा करने से एक तो पैसों की बचत तो होती ही है और दूसरा मन का सामान भी मिल जाता है। सो आज हमने अपने घर के पुराने पर्दे, पुराने कुशन के कवर और साड़ियों से DIY करके अपने घर को डेकोर कर लिया, वो भी बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम मेहनत में, और मन का सामान भी मिल गया। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो ये हैं हमारे पुराने कुशन कवर, कर्टेंस और ये साड़ी। ये कुशन कवर सीक्वेंस वाले हमने काफ़ी साल पहले ख़रीदा था। ये मेरी साड़ी है जो 8 से 9 साल पुरानी हो चुकी है। और ये है कर्टेंस, ये 1 से 1.5 साल पुराना कर्टेन है। जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे तब हमने इसे ख़रीदा था अपने बेडरूम के लिए, लेकिन डालने के बाद इतनी ज़्यादा लाइट आती थी इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसका यूज़ कहीं और कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कर्टेंस के ऊपर वाले पोर्शन को कट करके हटा दिया है। अब ये लिया है हमने साड़ी और साड़ी के लेस को अब हम खोल लेंगे। साड़ी की लेस और पाइपिंग को हमने खोल के हटा दिया है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, वीडियो हमने नहीं शूट किया क्योंकि लंबा हो जाता। सो जनरली साड़ी का साइज़ होता है 5 मीटर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो साड़ी है जॉर्जेट की है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट में है। और काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि इस बार हम अपने लिविंग एरिए में ट्रांसपेरेंट शेड वाले कर्टेंस डालेंगे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस साड़ी से ही कर्टेंस बना लिया जाए। तो देखिए, हमने इसको डबल किया था और डबल करके 20 से कट कर लिया है। अब जो हमने व्हाइट वाले कर्टेन का ऊपर वाला पोर्शन कट किया था उसे हम इसमें स्टिच कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस कर्टेंस को बना रहे हैं। नीचे से हमने इसको ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर से भी स्टिचिंग कर दिया जिससे कि थोड़ा फिनिशिंग आ जाए। कर्टेन का टॉप पोर्शन बन के रेडी है। अब नीचे वाले पोर्शन को हम ट्विस्ट करके स्टिच कर रहे हैं। तो देखिए कितना सिंपल वे में हमने इस कर्टेंस को बना के दिखाया, कुछ मेहनत नहीं लगी, फटाफट से बन गया। बस चीज़ों को हमने इधर का उधर किया और देखिए कहीं से भी ये पुराना भी नहीं लग रहा है। अब हम इसे डाल के दिखाते हैं। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा DIY। इसके ऊपर वाले पोर्शन का तो हमने बना लिया नया कर्टेन, अब ये जो नीचे वाला पोर्शन बचा है इसका हम बनाने जा रहे हैं सोफे का कवर। तो सबसे पहले हमने इस कपड़े को सोफे पे डाला है और सही तरीके से नाप ले ली है। अब एक्स्ट्रा बचे कपड़े को हमने कट करके हटा दिया है। इस कर्टेन का फैब्रिक थोड़ा मोटा था तो हमने सोचा इसका कवर भी बहुत ही अच्छा बन सकता है, क्योंकि सोफे का जो कवर होता है वो थोड़ा मोटे कपड़े में होता है जिससे कि मूव ना करे। और वैसे भी मेरा जो सोफ़ा है वो ब्लैक कलर का है जिसे हम देखते देखते काफ़ी बोर हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर कवर बना करके डाल देते हैं। तो देखिए, हमने कपड़े को डबल करके इसे 20 से कट करके दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब हम लेने जा रहे हैं सिंगल सोफे की नाप। पहला वाला कर्टेन 3 सीटर के लिए पूरा यूज़ में आ गया। एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़े का हमने कुछ बनाया उसको हम आगे बताने वाले हैं। अब हमने लिया है दूसरा कर्टेन, सिंगल सोफे की हमने नाप ले ली है। बहुत ही सिंपल वे में इसे भी हम बना रहे हैं, वीडियो देख करके आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। 20 से कट कर रहे हैं और कट करने के बाद अब हम इसके चारों कॉर्नर को स्टिच कर लेंगे। ऐसे तो हम कवर में डिज़ाइन बना सकते थे, लेकिन क्या है कि रमज़ान चल रहा है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में अच्छा डेकोर आइटम रेडी कर लें। सो कवर के चारों साइड को 1 इंच ट्विस्ट करते हुए हमने स्टिचिंग कर दी है। सिंगल सोफे का कवर बन के रेडी है। चारों साइड से स्टिच करने के बाद कितना फिनिश लग रहा है। और इसी के साथ साथ ये है 3 सीटर सोफे का कवर। अभी ये कवर इनकम्प्लीट है, सबसे पहले तो हम इसे सोफे पे डाल देते हैं, अच्छी तरह से इन कर देते हैं जिससे कि ये मूव ना करने पाए। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे टेसल्स। टेसल्स बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए, ये है मेरा पुराना DIY वूलन शैंडलियर और इसमें लगे सारे टेसल्स को कट करके निकाल लेंगे। इस शैंडलियर को हमने किस तरह से बनाया था इसका DIY वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, सारे टेसल्स को हमने अलग कर लिया है। अब एक एक करते हुए कवर के नीचे साइड इसे लगाएंगे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे। आजकल ये टेसल्स वाले रनर, सोफे का कवर, बेडशीट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। और पता है, जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है वो थोड़ा कॉस्टली भी मिलती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर मार्केट में हो। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस तरह से हम घर पे खुद बना लेते हैं। इस कवर में मल्टी शेड्स के सारे टेसल्स लगा दिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं।
सोफे का कवर बन के रेडी है। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट DIY। सिंगल सोफे का कवर जब हम बना रहे थे तो उसमें से ये कपड़ा बच गया था। अब इस बचे हुए कपड़े का हम क्या करने वाले हैं, सिंपल इसके दो साइड को स्टिच कर लेंगे इस तरह से, और एक साइड को हमने छोड़ दिया है। अब हम इसे सीधा करके इसके कॉर्नर को शार्प कर लेंगे। अब इसके अंदर फिल कर लेंगे फाइबर, और ये देखिए रेक्टेंगल शेप में पिलो बन के रेडी है। अब हम इसे थोड़ा और डेकोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है रेड वूल, और इसे हम अपने फिंगर पे 40-50 टाइम्स रैप कर लिया है। फिंगर से निकालने के बाद हमने वूल को कट कर दिया है। अब इसके मिडिल में टाइट नॉट लगा देंगे। मेक श्योर इसके नॉट को टाइट ही रखना है, अदरवाइज ये खुल जाएगा। तो देखिए हमने नॉट को लगाने के बाद इसके चारों साइड को सीजर की हेल्प से कट कर दिया है, और अब इसे इक्वल करके फिनिश कर लेना है। और इस तरह से हमने कई सारे कलरफुल पॉम पॉम रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे इस पिलो में ग्लू गन की हेल्प से लगाते जाएंगे। और ये देखिए पॉम पॉम लगने के बाद ये पिलो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। चलिए अब हम इसे सोफे पे रख के दिखाते हैं, कितनी मस्त लग रही है, सुभान अल्लाह। अब हमने यहाँ पे बनाया है छोटी सी पिलो कवर। ये जो कवर बनाया है, 3-सीटर सोफा जब हम बना रहे थे तो उसमें से बचा हुआ कपड़ा था, और यहाँ पे हमने लिया है स्केल। इसमें मल्टी शेड्स के वूल को रैप कर लिया है। इसके नीचे साइड हमने लगाया है ग्लू कवर में रखने के बाद सीजर की हेल्प से हम इसे कट कर रहे हैं। सो ये देखिए रख पिलो कवर, जिसे हम कह सकते हैं बोहो पिलो कवर, बन के रेडी है। तो देखिए इस डिज़ाइन को बिना मशीन और बिना सुई धागे की हेल्प से आप इसे ग्लू गन की हेल्प से बना सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बन जाता है। आप इसे चाहे जितना वॉश कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये निकलने वाला नहीं है। सो चलिए अब आप लोगों से नेक्स्ट DIY शेयर करते हैं। ये है सिक्वेंस वाले स्क्वायर शेप में कुशन कवर, और इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट करने वाले हैं। सिंपल इस कवर को हमने लिया है, नीचे से हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए मार्क कर लेना है इस तरह से, और अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब इसके चेन वाले साइड से सारे फाइबर को इंसर्ट कर देंगे, और ये देखिए हमने इसके चारों कॉर्नर में अच्छे तरह से फाइबर को फिल कर दिया है। अब इसमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, इसे हम ट्विस्ट करते हुए स्टिच कर देंगे। पान शेप में कुशन कवर बन के रेडी है। आप इसे इस तरह से भी रख सकते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं। सो ये था आज का DIY होम डेकोर वीडियो। पसंद आया हो तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। सो फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड बाय।